जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु टीवी के ब्लॉग चैनल, दोनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आया हूँ जो आपको हिला कर रख देगी। वो क्या है? हनुमान जी की भक्ति करने में लहसुन प्याज का परहेज होता है ना। मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा, हनुमान जी की भक्ति भी करोगे और परहेज भी नहीं करना पड़ेगा। पूरे यूट्यूब पे कोई अगर ऐसी वीडियो मिल जाए आपको तो मुझे बता देना, कमेंट में जरूर लिखना। इतना आसान कर दूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं वीडियो बना बना के आपको ऐसी ऐसी विधियां, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा और इतना आसान कर दूंगा हनुमान जी की भक्ति करना कि आप सभी देवताओं को भूल जाएंगे, सिर्फ हनुमान जी ही से प्यार करने लगे, हनुमान जी की ही भक्ति करेंगे। हनुमान जी के लिए बीच में भक्ति और आपके बीच में एक चीज आती है, वो परहेज होती है। वो मैं इतना आसान कर दूंगा कि आपको बहुत इजीली आप भक्ति हनुमान जी कर सकते हैं। वो क्या है भाई? हनुमान जी की भक्ति में हम आपको बताते हैं कि अंडा, मांस, मछली, लहसुन प्याज, दारू, बियर, ये बंद होती है। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो में कि आप अंडा, मांस, मछली, दारू, बियर खा पी सकते हैं, ये तो बंद ही रहेगी। इसके लिए नहीं, लहसुन प्याज के लिए रास्ता खोलने वाला हूं आपके लिए, ध्यान से सुने। वो भी किन व्यक्ति के लिए? सबके लिए नहीं। जो परहेज कर रहे हैं वो भी कह रहे, दीपक भैया ने बोला कि हाँ ऐसे करना, तो मैं तो छोड़ रहा हूं परहेज। जो परहेज कर सकते हैं इट्स वेरी ग्रेट, बट जो बहुत प्रॉब्लम में है, परहेज करना मुश्किल है, छोटे बच्चे हैं वो परहेज नहीं कर सकते, 11-12 साल के, 15-16-18-20-21 साल के, जो मम्मी पापा के ऊपर निर्भर है या हॉस्टल में रहते हैं या किसी रिश्तेदार के घर रहते हैं, वहां पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो वहां कह नहीं सकते कि लहसुन प्याज का खाना मत बनाओ। वहां वो लोग कैसे मैनेज करेंगे? या जिनको खाना बनाना नहीं आता है, उनकी वाइफ लहसुन प्याज ही बनाती है और वो बेचारे मजबूर है, खाना पड़ जाता है, वो लोग कैसे मैनेज करें? तीन चीज बताऊंगा, तीन चीज अगर आप समझ गए, तीनों चीज में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला भाई, अंडा, मांस, मछली, दारू, बियर, ये तो बंद रहेगा, इसी बात नहीं कर रहे हैं, दिमाग बना लेना। ठीक है, पहला लहसुन प्याज तो बंद रहता ही रहता है, लेकिन वो व्यक्ति जो परहेज नहीं कर सकता, पहले तो वो मंगलवार शनिवार को छोड़ दे, बाकी दिन खा सकता है, क्योंकि दोनों ही दिन हनुमान जी के होते हैं। आप बोलोगे जी मंगलवार शनिवार को छोड़ दूंगा मैं, लेकिन खाना तो खाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, या मैं बाहर फील्ड में ड्यूटी करता हूं, हर जगह मुझे लहसुन प्याज का खाना ही मिलता है, तो क्या करूं? ठीक है, लहसुन मंगलवार शनिवार नहीं छोड़ सकते, मंगलवार छोड़ दीजिए। तीसरा पॉइंट भी बताऊं, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यही है। पहला पॉइंट तो ये था मंगलवार शनिवार छोड़ दो, दूसरा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ मंगलवार मत खाएं, शनिवार को खा सकते हैं, बाकी दिन खा सकते हैं, ओनली मंगलवार छोड़ दीजिए। और आखिर में क्या करना है ये जरूर बताऊंगा, तीनों जो पॉइंट बताने के बाद आखिर में क्या करना है, इसके एवज में जब आप कुछ चीज परहेज नहीं कर रहे हैं तो उसके एवज में आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अच्छा, मंगलवार को छोड़ दीजिए। आप कहेंगे जी मंगलवार को भी मैं तो खाना वाना खाना पड़ जाता, तो मुश्किल है मेरे लिए, मैं कैसे करूं? मंगलवार को व्रत रख लें आप। पहली बात, जब मंगलवार को व्रत रख लेंगे आप मीठे से, तो लहसुन प्याज तुम्हारे शरीर में जाएगा ही नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ बना रखा हो, व्रत में आप खाएंगे ही नहीं, तो आपका महीने में 4 व्रत हो जाएंगे, हनुमान जी की भक्ति के और करीब पहुंच जाएंगे, हनुमान जी आपसे और खुश हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लाइफ में मंगल ही मंगल होगा, और दूसरा आपका लहसुन प्याज का परहेज भी हो गया। मंगलवार के दिन हनुमान जी से विनती करें, सिंदूरी मूर्ति के सामने जाके, प्रभु हनुमान जी महाराज, दीपक गुरु जी को साक्षी मान के मैं ये विनती करता हूँ कि लहसुन प्याज का परहेज मेरे पे नहीं हो पाएगा, सिर्फ मंगलवार को व्रत रखूंगा, मंगलवार को करूंगा, बाबा उसी से स्वीकार कर लेना, मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा करें, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपके साथ हो जेन्युइन वो बतानी है आपको, जेन्युइन प्रॉब्लम कि मैं किसी के घर पे रहता हूँ इसलिए नहीं खा पाता, इसलिए मैं बना नहीं सकता है, उनसे कह नहीं सकता, दूसरा मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तीसरा मैं अपनी वाइफ मेरी खाना बनाती हूँ, सबके लिए बनता है तो मेरे अलग से नहीं बन सकता, इस तरह के जो जेन्युइन प्रॉब्लम जो नियम परहेज कर सकते हैं इट्स वेरी गुड एंड ग्रेटफुल, जो नहीं कर सकते वो मंगलवार को व्रत रखें, मंगलवार और शनिवार को परहेज करें, और मुश्किल है तो मंगलवार को व्रत रख लें, मंगलवार को तो परहेज होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, मंगलवार को व्रत रख लें आप, व्रत रखने शुरू कर दें। अब बाकी दिन जब आपने, मैंने हनुमान जी की भक्ति के परहेज बताए हैं और आप परहेज सारे कर रहे हैं, लहसुन प्याज का नहीं कर पा रहे, सिर्फ मंगलवार को कर पा रहे हैं, वो भी व्रत रख रहे हैं आप, मंगलवार को नहीं खा पा रहे हैं लहसुन प्याज, इसके एवज में क्या करना पड़ेगा? तीन चीज तो बता दी मैंने आपको, पहला मंगलवार शनिवार को छोड़ दीजिए, दूसरा
सिर्फ मंगलवार को छोड़ दिए, तीसरा मंगलवार को व्रत रख लीजिए ताकि लहसुन प्याज आप खाएं ही ना, जैसी भी मिल जाए फिर सब्जी बाकी दिन खा लीजिए। लेकिन चौथा जो मेन पॉइंट बताया वो ये बताया, हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के सामने आपको विनती करके दीप गुरु साक्षी मान के बोलना है कि मैं उनको साक्षी मान के विनती करता हूँ, मेरी ये परेशानी है, इस वजह से मैं आपके लहसुन प्याज के परहेज रोज नहीं कर सकता, सिर्फ मंगलवार को व्रत रखूंगा उस दिन करूंगा, या मंगलवार शनिवार को करूंगा, या सिर्फ मंगलवार को करूंगा, या व्रत रखूंगा उस दिन करूंगा, ऐसे। अब इसके एवज में आपको क्या करना है, अगर आप एक दिन का परहेज, एक दिन का मंगलवार का परहेज कर रहे हैं और दिन नहीं कर रहे हैं, या मंगलवार और शनिवार का कर रहे हैं लहसुन प्याज का परहेज बाकी दिन नहीं कर रहे हैं, या लहसुन प्याज का परहेज करते ही नहीं हनुमान जी भक्ति करते हैं, तब उस केस में, और व्रत भी नहीं रखते उस केस में क्या करें, हर मंगलवार को या हर शनिवार को या समय नहीं मिलता तो इतवार को, इन 3 दिनों में से एक दिन जरूर हर हफ्ते, मंगलवार के मंगलवार या शनिवार के शनिवार या संडे के संडे, समझ रहे हो, संडे के संडे, ट्यूजडे के ट्यूजडे या सैटरडे के सैटरडे आपको बंदरों को कुछ ना कुछ खिलाना है, बस फ्रूटी खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, खीरे खिलाएं, रोटी खिलाएं, चने खिलाएं, आम खिलाएं, इट डजंट मैटर, बंदर जमाने हफ्ते में एक बार, तब जाके आपका ये दोष जो आपको लहसुन प्याज के साथ हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं ये दोष तब खत्म होगा। ध्यान रखना हफ्ते में के हफ्ते आपको ये काम करना है, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, आपको करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है, कुछ आप ये बोलेंगे हमारे आसपास कुछ लोगों के आसपास बंदर मिलते हैं, कुछ लोगों के आसपास बंदर नहीं मिलते, वो क्या करें, वो लड़कों को जमाएं हफ्ते के हफ्ते, या तो मंगलवार के मंगलवार या शनिवार के शनिवार या इतवार के इतवार, बच्चों को 10-10 रुपए दे दें 11 बच्चों को, या 11 बच्चों के लिए हनुमान जी के लिए कोई लड्डू वड्डू हनुमान जी के लिए, या गुड़ चने, गुड़ चने हनुमान जी को भोग लगा करके वो 11 बच्चों को बांट दें कि प्रभु वानर तो मेरे यहाँ मिलते नहीं है, मैं 11 बच्चों को लड़कों को बांट रहा हूँ, लड़के ये नहीं होने चाहिए कि शादीशुदा लड़का फिर लड़का खिला दिया, बच्चे बच्चे जो लड़के लड़के छोटे छोटे 5-7 साल के या 10 साल के, बस इतने बड़े लड़कों को गुड़ चना का भोग खिला दें हनुमान जी को भोग लगाने के बाद, और बोले कि प्रभु वानर तो नहीं मिलते हैं, इनको वानर समझ के या आपका दूध समझ के मैं खिला रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, और मेरा लहसुन प्याज का परहेज सिर्फ मंगलवार को रहेगा उसे स्वीकार करना, बाकी दिन में नहीं कर पाऊंगा, मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम ये है, तब बताएंगे। तब मैंने आपके लिए इतना आसान कर दिया है, बिना लहसुन प्याज छोड़े आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते, बता दिया ना मैंने आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, मंगलवार शनिवार छोड़ दें लहसुन प्याज, बाकी सब चीज़ परहेज रहेगी, मंगलवार शनिवार लहसुन प्याज छोड़ दें, मुश्किल है परेशानी है तो मंगलवार को छोड़ दें, मंगलवार को छोड़ना मुश्किल है तो मंगलवार को व्रत रख लें, बस प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी दिन जो आपने लहसुन प्याज खा रहे हैं, आप लहसुन तो छोड़ ही दें, खैर हमेशा प्याज वगैरह खा रहे तो उसके लिए बोल रहा हूँ, लहसुन तो छोड़ ही दें, गंदी चीज होती है वो, बंदरों को हफ्ते के हफ्ते जमाए, हर हफ्ते वीकली जमाए, या तो मंगलवार की मंगलवार समय निकाल के जाए, या शनिवार के शनिवार समय निकाल के जाए, या हर संडे को समय निकाल के जाए, बंदर नहीं मिलते हैं तो 11 लड़कों को जमाए, 10 रुपए दे दें ये चीज खा लेना हनुमान जी को ध्यान करके, या गुड़ चने का भोग लगा दें, या केले ले आए 1 दर्जन सारे बच्चों के खिला दें, ऐसा कर लो, सबसे आसान है तरीका केले वाला, 1 दर्जन केले ले आए, 12 आते हैं, एक आप खाओ 11 उनको बांटो जयराम जी की, एक सॉरी 12 आएंगे ना, एक हनुमान जी को भोग लगाओ और 11 उन सबको बांट दो कि बाबा स्वीकार करें मेरा लहसुन प्याज के परहेज के अवज में जो मैंने संकल्प लिया था उसके अवज में ये है, और इसे स्वीकार करें और मेरा लहसुन प्याज का परहेज के लिए माफी दे दें, ऐसे आप करेंगे, ठीक है हनुमान। और ये नहीं है कि मंगलवार को भी लहसुन प्याज खा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, मंगलवार को कम से कम व्रत रखें, लाइफ भर रख लो, क्या दिक्कत है, तुम लड़के होके लाइफ भर हनुमान जी के व्रत नहीं रख सकते क्या, मैंने लाइफ भर मंगलवार से रख लिए, आप नहीं रख सकते क्या, रखो, जब मैंने आपके लिए इतना इजी कर दिया है हनुमान जी की भक्ति और परहेज इतने इजी कर दिया, तो आप भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, है ना, ऐसा जरूर करें, हनुमान जी कृपा करेंगे, और इसे करने से आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, लहसुन प्याज छोड़े बिना हनुमान जी की भक्ति कैसे करें, ये मैंने आपको आपका पूरा का पूरा बता दिया, और पूरा फल आपको हनुमान जी का मिलने वाला है, लेकिन उसके एवज में जो काम बताया वो जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।